पेपर लिया, इसको टू फोल्ड्स में फोल्ड कर चुका है, ये देख सकते हैं। अब मैंने इस पे मार्क किया, मेरा 4 इंचेस का फ्रंट भी है, 4 इंचेस का बैक भी है नेक, तो इसलिए मैं एक ही नेक बनाऊंगी और उससे दोनों को कट कर लूंगी। सो आप पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर 4 इंचेस मतलब 5 इंचेस से कम होता है तो हम 4 पे मार्किंग करते हैं, तो मैं यहाँ पर मिड से जो शोल्डर की मार्किंग होगी वो 4 इंचेस पे होगी, ये मैंने कर दी। ये 4 इंचेस पे मार्किंग हो गई आपकी। अब उसके बाद ये एग्जैक्ट 4 इंचेस पे ही मार्क हो, आप ध्यान रखिए, ये 4 इंचेस पे मार्किंग हुई। उसके बाद आपने नेक 4 इंचेस का बनाना है प्लस 1/2 इंच में मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। आपका 4 इंचेस पे आपने मार्क कर दिया और 1/2 इंच मार्जिन ऐड कर दिया, अब उसको भी ज्वाइन कर देंगे आप। एक ब्लॉक बॉक्स बनाना होता है क्योंकि आपको, तो आपने ये बॉक्स बना दिया। अब यहां से आपको 1 इंच और ऐड करना है, तो आपका 1 इंच आपने ऐड कर दिया। और यहां से भी 1 इंच ऐड होगा, देखो आप, यहां से भी आपको 1 इंच ऐड होगा, तो आपने यहां पर भी 1 इंच ऐड कर चुका है। अभी आप ड्रॉ कर लेंगे एक बॉक्स। अब आप कर्व बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था ना, जब 6 मतलब आपका ज्यादा डीप होगा तो आपका यहां से एक कर्व होता हुआ इस टाइप को मीट करेगा, मतलब आपको राउंड बनाना है पर आपका ये वे में जाएगा। बट अगर आपका 4 है मतलब लेस है, 5 से लेस है, तो आपका कर्व थोड़ा सा और ज्यादा, यहां से तो ब्रॉड होगा बट ये ब्रॉड राउंड नेक है, तो ये यहां से स्टार्ट होता हुआ आपको मार्क करना है। ये आपका इस तरीके से जाएगा और फिर आप 1/1 इंचेस मार्क करते जाएंगे, 1 इंच, 1 इंच, ये 1 इंच, 1 इंच, आपको इस कर्व पे रख के 1 इंच मार्क करना है। ये आप देखिए मैं कैसे 1 इंच मार्क कर रही हूँ, ये यहां पर रख के इस कर्व को रेफरेंस मान के 1 इंचेस का मार्क करते जाइए। आप ये इस लाइन को मिला दीजिए। अब आपको उसको कट करना है, कट करके अलग करना है। मैं इसे कट कर रही हूं, आप प्लीज नोटिस करें कि किस टाइप से होगा। ये आपने कट किया, आपको पहले आउटर कर्व कट करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये फ्यूजिंग पेपर में भी ध्यान रखना है, नहीं तो आपसे गड़बड़ हो जाएगी, आपका प्रॉपर शेप नहीं आएगा, तो आपको बहुत ध्यान से कट करना है। आप इसे शॉर्ट कर लेंगे। अब ये इस वे में आपको पकड़ना है, होल्ड करना है और फिर से कट करना है। देखिए अब आप इसको ओपन करके देखिए किस तरह दिखेगा, परफेक्ट, यही आपको मिलेगा, आपको इसी टाइप से नेक मिलेगा, आपका नेक ऐसे आएगा, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट, ये नेक आपका इस तरीके से मिलेगा। फ्रेंड्स ये फ्यूजिंग पेपर होता है, पेपर है
ये आपके नेक को हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए बनाते हैं। पहले हम इसमें बनाते हैं एंड देन इसको हम स्टिक करते हैं फैब्रिक पे और फिर उसकी मदद से अपने जो मेन बॉडी है उसमें लगाएंगे हम, जो आपके कुर्ती है उसका बॉडी में लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ फोल्ड कर लिया, इसे प्रॉपर फोल्ड करके अब इसमें मैंने ये स्टिक करने के लिए इसको मैंने रखा, क्योंकि मुझे प्रॉपर शेप चाहिए। थोड़ा सा ऊपर से भी आप थोड़ा ऊपर से भी स्पेसिंग देंगे और नीचे से भी थोड़ा सा स्पेसिंग देंगे। ठीक है, तो आप इतना सेपरेट कर सकते हो जिसमें आपको कट करना और ड्रॉ करने में इजी रहे। तो मैं यहाँ से थोड़ा सेपरेट कर लेती हूँ। मैंने इसको अलग सेपरेट कर लिया। अब मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, जो मैंने ये न्यूज़पेपर पर से नेक काटा था सेम इसमें ड्रॉ करूंगी मैं। फ्रेंड्स, ये मेरा ड्रॉ हो चुका है। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से भी ड्रॉ करूंगी। मैंने ये रखा स्केल और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से कट कर सकती हूँ। स्ट्रेट लाइन आपको दे मैं यहाँ से सबसे पहले आउटर सरफेस से कट करूंगी। मैंने आपको बताया था ये इस वे में होल्ड करना है और ये आउटर सरफेस से कट करना है आपको। ये आप राउंड कट करते जाएंगे। देखिए, अगर आप जैसे मैंने आपको बताया था आप प्रॉपर होल्ड नहीं करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। जैसे ये एक्स्ट्रा हो गया, इससे देख सकते हैं आप, ये एक्स्ट्रा हो गया, इससे गलत हो गया, तो इसलिए इसको प्रॉपर आपको रखना है और ये कट करना है। अब मैं इसको दोबारा सही करूँगी। रख के काटे तो और भी बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि ये कट बहुत अच्छे से होगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसके बाद। तो आपने ये देखी है, मैंने ये अलग कर दिया सेपरेट, ये प्रॉपर मेरा कर्व आ चुका है। मैं इसको और थोड़ा सा फाइन कर लूंगी, मेरा फाइन हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसको कट करूंगी। ये आपको स्ट्रेट मार्क करना है, ये मैंने अलग कर लिया है। ठीक है, अब मेरा सेपरेट हो चुका है, मेरा ये नेक आ गया है। अब आप सोचेंगे ये तो सेपरेट कर दिया था न्यूज़पेपर में, बट इसमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फ्रेंड्स, अभी मैं सेपरेट करने वाली हूँ इसको। पहले मैं एक बार चेक कर लूँगी कि ये मेरा जो मैंने कर्व मार्क किया है वो सही आया है भी है कि नहीं है। तो मेरा सही है, अब मैं इससे ये चीज़ अलग सेपरेट करूँगी। इस वे में आप इसे होल्ड करिए और एक कट करना स्टार्ट करिए। फ्रेंड्स, ये आपका नेक आ चुका है, जैसे कि हमें रिक्वायरमेंट था। हमने जैसे न्यूज़पेपर पर काटा था सेम वे में हमें यहाँ पे मिल गया है, देखिए आप। और ये इस वे में मैंने आपको बताया था ये सेपरेट नहीं करना है, क्योंकि आपको दोनों की हेल्प से इसको अगर ये
ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो इन ये प्रॉपर स्टिक हो इसलिए मैं पहले इसको साथ में रखूंगी और फिर आयरन करूंगी जिसमें एक साथ प्रॉपर शेप मिल जाए, फिर इसको सेपरेट कर लूंगी। ठीक है,